अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। वेलकम टू जुएन ब्लॉग्स। आज का दिन बहुत ही सुंदर है और बहुत ही सनी डे। अभी मॉर्निंग का समय है और अभी स्कूल जाने वाले है। आई एम रेडी विथ माई बाइक, सो आइए चलते स्कूल की तरफ। और आज फाइनली बहुत दिन के बाद एडमिशन के लिए, मतलब हमारा जो हमने स्टडी छोड़ दिया था तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम उसको कंटिन्यू करेगा, एटलीस्ट ग्रेजुएशन तक कंप्लीट करेगा बोल के। सो आज भी जाके हम एडमिशन के बारे में पूछने के लिए जाने वाले हैं। सो बी विथ मी टिल देन। सो फाइनली गाइस, मैं स्कूल पहुंच चुका हूँ। ये है मेरा सुंदर स्कूल नहीं जिसमें हम क्लास ए से पढ़ा हुआ है। उसका नाम है सी एस, तो उधर हम इग्नो से पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो अभी बेल का आवाज़ भी आप लोग ने सुन लिया, तो मेरा क्लास खत्म, अभी चल रहा है। गाइस निकल चुके हैं हम लोग वो कॉलेज देखने के लिए। सो हमारा फ्रेंड इधर वो बाइक चला रहे हैं और बहुत दिन के बाद हमको ऐसे मौका मिला कि हम ऐसे वीडियो बना पाए और बहुत ही खुश है हम। और आपको जितना भी हम ऐसे नेचर का व्यू दिखा पाएगा वो सब दिखाते रहेगा। तो बी विद मी टिल देन। ऐसी जी चाहे जिंदगी है। सो देख सकते हैं गाइस, रास्ता बहुत ही ख़राब है और कैमरा भी बहुत ही हिल रहा है। और उधर आप सब देख सकते हैं एक ब्रिज आ रहा है, उस ब्रिज का नाम है बालीजन का ब्रिज। ये ब्रिज कब बनाया हुआ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। इस ब्रिज से पहले बहुत सारा ब्रिज बनाया गया लेकिन वो छोटा सा, इतना मजबूत नहीं था और वो पूरा टूट के चला जाता था। इसीलिए बहुत टाइम के बाद ऐसा मजबूत ब्रिज बनाया है और बहुत ही अच्छा है। और साइड में देख सकते हैं आप सब लोग फल फूल भी बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं। और अभी आप सब देख सकते हैं फिर से खराब वाला रास्ता आ गया है, फिर से कैमरा बहुत हिलने वाला है। हम लोग अभी दिमापुर के फोर लाइन के पास से पहुंच चुके हैं ओवरब्रिज में, तो आपको दिखाता हूँ। तो आप सब देख सकते हैं ये फोर लाइन ओवरब्रिज है और ये चुम्मू के पास में है। मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाया था लेकिन वो ठीक से नहीं बना पाया, लेकिन अभी आप सब देख सकते हैं मैं आपको इसके अंदर से लेके चलता हूँ। बहुत सारा वाटर जमा हुआ है, आप सब देख सकते हैं, और गारंटी नहीं है किस तरफ गड्ढा है। और ये बहुत ही मजबूत एक ओवरब्रिज बनाया हुआ है, आप साइड भी आप सब देख सकते हैं, बहुत ही मजबूत ब्रिज है और बहुत ही बड़ा है। लगभग 2-3 साल हो गया ये ब्रिज का बनाने के लिए स्टार्ट किया हुआ और अभी तो रेडी होके खड़ा हो चुका है। कंप्लीट तो नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा सा अभी भी काम तो जारी ही है। आते समय लेकर चलूँगा आपको फोर लाइन से, फोर लाइन की सवारी करके। वो जो ब्रिज था वो न्यू सभा को क्रॉस करके है, अभी ओल्ड सभा आने वाला है। सो आप सब देख सकते हैं और उसके बाद आएगा कॉलेज और उधर हम जाने वाले हैं। तो आप सब देख सकते हैं गाइस, पहुंच चुके हैं हम सीएस कॉलेज की तरफ और नागा यूनाइटेड, आप सब देख सकते हैं इस जगह का नाम है ओल्ड सभा की तरफ। और अभी स्टूडेंट लोग भी अभी तो छुट्टी होकर घर जा रहे हैं। मेरा दोस्त बोल रहा है, उसका दोस्त लोग भी है इधर। सो देख सकते हैं गाइस, पहुंच चुके हैं सीएस कॉलेज। तो वो जो बिल्डिंग आप लोग देख रहे हैं, आप सब देख सकते हैं अभी ये गेट है, ये गेट के अंदर अभी पहुंच चुके हैं, अभी वीडियो तो नहीं बना पाएगा। तो गाइस ये फोर लाइन का ओवरब्रिज बहुत ही सुंदर है और जाके आए थे हम लोग उधर, कोऑर्डिनेटर से, वहाँ के लोगों से, टीचर से बात किया तो बोल रहे थे कि इग्नो का अभी तक बिजनेस का वो अभी तक भी नहीं आया है, तो जून जुलाई में आके फिर से इंक्वायरी करने के लिए बोला है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो अभी फिर से जाकर और भी ट्यूशन लेना है एंड आई एम गेटिंग लेट। तो इधर बहुत ही अच्छा एक सीन है, व्यू है, तो आप लोग को, आप लोग के लिए हम अभी बनाने वाला है, तो आप लोग देखते रहिए। चलते हैं गाइस बाइक में,
और ये फोर लाइन का रास्ता, और अभी ऊपर खबर भी नहीं है, रास्ता बहुत ही अच्छा है। तो चलिए गाइस करते हैं फोर लाइन की सवारी। यही जगह है जहाँ पर काम कंप्लीट नहीं हुआ है, आप सब देख सकते हैं। ये है फोर लाइन का बीचों बीच का रोड, और इधर हम रुके हुए हैं आप सबको ये दिखाने के लिए। बहुत ही अच्छा दृश्य है। कंट्रोल कंट्रोल, आइए चलते हैं फिर से फोर लाइन की सवारी कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार बाइक में, हम हमेशा चलाता रहता है लेकिन आज तो मेरा दोस्त चला रहा है और हम मज़े से आज वीडियो ऐसे बना रहा है। बहुत ही खुशी लग रहा है, हम बहुत खुश हैं। वापस आ चुके हैं हम लोग अभी, और दोस्त को दोस्त के घर में छोड़ दिया और ट्यूशन के लिए गए थे, लेकिन वो स्टूडेंट लोग भी लेट होने के कारण चले गए। तो अभी तो वापस ही जा रहा है हम घर। तो इधर रुक कर थोड़ा बता रहा हूँ आप लोग को। और जैसे कि मैंने बोला, गए थे एडमिशन के लिए, लेकिन वो लोग बोल रहे थे कि अगर सब कुछ ठीक ठाक होने से ही वो लोग वो ऑर्डर पास करके वो इग्नो का जो बिजनेस का कोर्स है वो लाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। जून जुलाई में ही इंक्वायरी करने के लिए बोला है, नंबर भी दे के रखा है। और वैसे भी हम तो मेन तो वो एडमिशन के लिए नहीं, लेकिन हमारा गाड़ी में तेल भी नहीं था, तो गाड़ी में तेल डालने के लिए भी गया था। तो ओके देन गाइस, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही मैं आप लोग के लिए ब्लॉग बनाता रहूँगा, जैसा भी होगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी गुड, और अच्छा से आप लोग को दिखाने के लिए जो भी पार्ट होता है। कृपया करके आप हमारे इस चैनल को, जुएन ब्लॉग को सपोर्ट कर दीजिए। आप लोग को भी मालूम है, आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल कुछ भी नहीं हो सकता, ना तो मैं ही कुछ हो सकता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं सिंपल एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देके। तो प्लीज़ गाइस, हेल्प मी और सपोर्ट कीजिए मुझे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट कमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए मिलजुल के रहिए, अच्छा से रहिए। बाय बाय।